चलिए तीसरी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां ईडी का एक्शन और सियासी रिएक्शन। जी हां, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी ने कुछ कारोबारियों, अधिकारियों और राजनेताओं के घर पर दबिश दी है। इनमें बड़ा नाम छत्तीसगढ़ राज्य बीज और कृषि विकास निगम के अध्यक्ष पूर्व विधायक अग्नि चंद्राकर और आईएसपी अंबलगन का है। बता दें कि पी अंबलगन जल संसाधन और संस्कृति विभाग के सचिव हैं। उनकी पत्नी अलरमेल मंगई भी आईएएस है। सीआरपीएफ जवानों के साथ ईडी की टीम आज सुबह सुबह रायपुर स्थित इनके ठिकानों पर पहुंची और बता दें आपको कि अग्नि चंद्राकर ईडी द्वारा पूर्व में गिरफ्तार सूर्यकांत तिवारी के ससुर है, इसलिए समझा जा रहा है कि कोल घोटाले को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल चंद्राकर के शंकर नगर स्थित निवास पर कार्रवाई जारी है। इसी तरह अंबलगन के देवेंद्र नगर स्थित आवास में छापे की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा के कुछ व्यापारियों के यहां भी ईडी की कार्रवाई की खबर है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ये कार्रवाई चुनाव तक जारी रहेगी। सीएम ने कहा कि भाजपा राजनीतिक तौर पर लड़ नहीं पा रही है। भाजपा ने प्रभारी अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सब बदल दिया, इसके बाद भी भाजपा को कोई लाभ नहीं हुआ। अब इनके पास ईडी और आईटी का हथियार बचा है। सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। ईडी और आईटी चुनाव तक यहां रहेंगे और जाएंगे नहीं। ये यहां के व्यापारी, अधिकारी और राजनेताओं को डराने के लिए यह सब कर रहे हैं। एक बार फिर हड़कंप मच गया है। आज तड़के ईडी की टीम जो है वो छत्तीसगढ़ के अलग अलग ठिकानों पर छापेमार की कार्रवाई की है, जिसमें सबसे बड़ा जो नाम आ रहा है वो है महासमुंद के पूर्व विधायक अग्नि चंद्राकर। ये रायपुर का जो शंकरनगर का जो आवास है, वहां पर ईडी की टीम जो है विधायक अग्नि चंद्राकर के आवास के अंदर इस समय छापामार कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही जो कुछ आईएएस अधिकारी के नाम भी सामने हैं, जिसमें पी अलबनगन जो संस्कृति विभाग के सचिव है, उनके ठिकानों पर भी छापेमार कार्रवाई की है। अग्नि चंद्राकर जो है वो सूर्यकांत तिवारी कारोबारी जो है उनके ससुर हैं और उनके कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है कोल मामले पे जो ईडी की जांच चल रही है उस पर कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ा है, जिसको लेकर आज इनके निवास पर जो है ईडी की टीम पहुंची है। इसके साथ ही कुछ कारोबारी के भी नाम सामने आए, जिसमें स्वतंत्र जैन और विपुल पटेल जो ट्रांसपोर्टर कारोबारी है, उनके आवास में भी जो है ईडी की टीम जो है छापेमार कार्रवाई कर रही है। तो जिस तरीके से ईडी की टीम लगातार छत्तीसगढ़ में दबिश दी हुई है और कोल के मामले में जो कार्रवाई लगातार जारी है, उस पर कुछ इनपुट मिलने के बाद आज जो है तड़के ये कार्रवाई लंबे चलने वाली है और हो सकता है कि शाम तक क्या कुछ जांच में निकलता है वो सामने आ सकता है। तो फिलहाल ईडी का जो दायरा है छत्तीसगढ़ में वो लगातार बढ़ते जा रहा है। कैमरामैन गोपेन्द्र के साथ स्वप्न गोरखेड़े, आईएनएस न्यूज, रायपुर। इनके जो भ्रष्टाचार है उसकी जो शिकायत, एक आध तो जांच करा ले, तो जितने भी हम लोग कार्रवाई करने की कोशिश कर, चिट फंड कंपनी के हजारों करोड़ रुपया यहाँ के निवेशकों को डूबा है, हम लोग बोलते हैं उसकी जांच करो, तो उसको जांच नहीं करेंगे। तो राज्य सरकार की कोई बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? उनका एक उद्देश्य है कि केवल एक राजनीतिक उद्देश्य के तहत, उसके तहत मोटिवेटेड है और उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। आपको जिस तरीके से ईडी का एक्शन लगातार यहाँ पे नजर आ रहा है, लगातार छापेमारी जो की जा रही है, साफ तौर पर उससे सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है। बता दें भूपेश बघेल ने एक बार फिर बीजेपी पर प्रहार करते हुए ये कहा है और इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और बीजेपी लड़ नहीं पा रही है, इस वजह से जो है इस तरीके की ईडी की छापेमार कार्रवाई लगातार देखी जा रही है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि चुनाव तक जो है ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी क्योंकि बीजेपी के पास लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। अब इस पर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आती है ये देखने वाली बात होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री ने ये भी कह दिया है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है और भाजपा जो है वो सरकार से लड़ नहीं पा रही, इस तरीके के काम वो कर रही है और इस तरीके का काम जो है कार्रवाई, ईडी की छापेमार कार्रवाई लगातार चुनाव तक भी जारी रहेगी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। और उनके कहने का ये कारण था, उन्होंने ये भी कहा कि जो है बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है लड़ने के लिए और वो सरकार से लड़ नहीं पा रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के पास ईडी और आईटी के हथियार के अलावा लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए लगातार जो है इस तरीके की कार्रवाई देखी जा रही है और बीजेपी सरकार से लड़ने में सक्षम नहीं है, इसलिए इस तरीके के हथियार का इस्तेमाल कर रही है। बता दें आपको कि कोरबा में जो है कारोबारी के यहाँ भी ठिकाने पर
छापेमार कार्रवाई की गई थी और एक बार फिर जो है कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। और आपको एक बार फिर बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी ने कुछ कारोबारियों, अधिकारियों और राजनेताओं के घर पर दबिश दी है। इनमें बड़ा नाम छत्तीसगढ़ राज्य बीज और कृषि विकास निगम के अध्यक्ष पूर्व विधायक अग्नि चंद्राकर और आईएसपी अंबलगन का है। बता दें आपको कि पी अंबलगन जल संसाधन और संस्कृति विभाग के सचिव है। उनकी पत्नी अलरमेल मंगई भी आईएएस है और सीआरपीएफ जवानों के साथ ईडी की टीम आज सुबह सुबह रायपुर स्थित इनके ठिकानों पर पहुंची। बता दें कि अग्नि चंद्राकर ईडी द्वारा पूर्व में गिरफ्तार सूर्यकांत तिवारी के ससुर हैं, इसलिए ये समझा जा रहा है कि कोल घोटाले को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल चंद्राकर की शंकर नगर स्थित निवास पर कार्रवाई जारी है। इसी तरह अंबलगन के देवेंद्र नगर स्थित आवास में छापे की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा के कुछ व्यापारियों के यहां भी ईडी की कार्रवाई की खबर है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले पर कहा कि ये कार्रवाई चुनाव तक जारी रहेगी। सीएम ने कहा कि भाजपा राजनीतिक तौर पर लड़ नहीं पा रही है। भाजपा ने प्रभारी, अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सब बदल दिया, इसके बाद भी भाजपा को कोई लाभ नहीं हुआ। अब इनके पास ईडी और आईटी का हथियार है और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। ईडी और आईटी चुनाव तक यहाँ रहेंगे, जाएंगे नहीं। ये यहाँ के व्यापारी, अधिकारी और राजनेताओं को डराने के लिए सब कर रहे हैं। बता दें आपको कि ईडी के इस एक्शन के बाद जो है लगातार सियासत देखी जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले पर कहा है कि ये भाजपा की एक रणनीति है और भाजपा सरकार से लड़ नहीं पा रही है, इस वजह से वह ईडी और आईटी को अपना हथियार बनाकर लड़ रही है। भिलाई में ईडी की कार्रवाई जारी है, ये बंगला देख रहे हैं, सेक्टर 9 का 2/32 नंबर बंगला है। अनबलगन पी 2004 वर्ष के आईएएस दंपत्ति है, जिनके यहाँ ईडी की टीम पहुंची हुई है। एक गाड़ी ये देखिए 02 की गाड़ी में है, दूसरा स्कॉर्पियो गाड़ी में है, जहाँ पर पूरी टीम पहुंची हुई है और टीम जांच कर रही है अंदर में क्या हो रहा है, क्या मिला है, नहीं मिला है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। मीडिया से कोई बात नहीं किया है, सिर्फ ये कहना है कि जांच जारी है। अब जांच में क्या आता है, रायपुर जाकर क्या ईडी के अधिकारी अपने जो बड़े अधिकारियों को जानकारी देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुबह से हो रही इस ईडी कार्रवाई की चर्चा जोरों पर है। आखिर अचानक ऐसा कौन सा मामला आ गया? एक मामला ये भी उठ रहा था कि बंगले जो बहुत बड़े स्तर बनाए गए हैं उसको लेकर जांच जारी है। दूसरा वही बात हो रही थी कि जो कुछ सूचना मिली थी उस आधार पर जांच की जा रही है। भिलाई से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा, आईएनएस न्यूज़।